या तो हम लोग के हिसाब से अक्टूबर में हो रहा था, आज जिस तरह से कोर्ट ने कैलकुलेट किया है उसमें कह रहे हैं तो कुछ 10-15 दिन आगे पीछे। आज क्या कुछ समस्या वही कि 26 दिन कम हो गई है और कोई समस्या नहीं। 26 दिन मतलब 9 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, उस दिन बेल हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें अब दो मामला बच रहा है, एक तो ट्रायल में चल रहा है और एक जो है अक्टूबर में पूरा होगा अगस्त। जी बिल्कुल, ये थे सर। सर ये पहले बताया जाए, डोरंडा तो सरकार जो सबसे बड़ा मामला है उसकी क्या स्थिति है सर अभी? अभी तो कोविड के चलते सिविल कोर्ट नहीं चल रही है, इसलिए उसमें मार्च के बाद होली के बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि 9 तारीख को लालू प्रसाद यादव जी को इस मामले में चाबासा वाले मामले में बेल मिल जाएगा? जी हाँ, उस दिन आज जो कैलकुलेशन हुआ है उस दिन हाफ सेंटेंस हो जाएगा। तो प्रभात कुमार है, तो 26 को बेल मिलने के बाद क्या लालू प्रसाद यादव बाहर निकल सकते? नहीं, एक केस में और 7 साल की सजा है। हाँ, तो उसमें उसका जब हाफ होगा तब उसके बाद तब वो कब होगा? तब अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।